राम जय गुरु बाबा। इंडिजिनियस टेलीविजन में से साप्ताहिक रूप में प्रसारण होना कार्यक्रम थारू भाषा के कार्यक्रम चली गोचाली में कविला अपने कहीं स्वागत बा। मैं उर्मिला गमवा थारू। कौन समय रह जब उस समय में सबको जनक मन बहलना सबको जनक मन जीत सफल हुई संचारकर्मी के रूप में स्थापित हुई। एक संचारकर्मी आजकल वह संचारकर्मी सबको जनक मन जीत सफल हुई विभिन्न गीत गाकर सुपरहिट गीत देकर सबको जनक मन बहलाइना और मन जीत सफल हुई। आज वह गायकन से हमरा बाट बटुआ बाटे वो गायक हुई तो चर्चित गायक अपने कहीं के लोकप्रिय गायक श्रीनिवास जी कार्यक्रम में अपने कहना स्वागत बा। धीरे धीरे धन्यवाद बा उर्मिला जी। सर्वप्रथम तो अपने के बधाई देना चाहम भर्खर सम्पन्न हुई राष्ट्रीय थारू भाषा के साहित्यिक सम्मेलन में अपना थारू गायन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिलक वहाँ से अपने कहीं सम्मान कई गल बधाई बा अपने कहीं। धीरे धीरे धन्यवाद बा संपूर्ण थारू लेखक संघ अनि साथसाथै थारू राष्ट्रीय जुन चौथो थारू राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन हुन् सम्पूर्ण आयोजक टिम हुरानी फिर दिलसे धन्यवाद देख्छ हम। रूपन्देही कार्यक्रम सम्पन्न हुई रूपन्देही जुन अपने घर जिंदगी के यात्रा सुरू हुई ठाउँ कर्मथलोफी मान जाए टू अपने घर कर्मथलोफी हो अपने घर कर्मथलो अपना जन्मले कपिल वस्तु में अपने घर कर्मथलो रूपन्देही जुन कर्मथलो अपने घर हो वो ठाव से अपना सम्मानित हुई कसिन लागल अपने एकदम खुशी खुशी बात हो जस्तै कि संघर्षरत अभिन्न मतलब संघर्षरत यात्रा में आटू 2059 साल से सांगीतिक क्षेत्र हुई अथवा ये क्या कहने कि संचार जगत हुई संगसंगे ले जाने क्रम में विभिन्न उतार चढ़ाव संग्री विभिन्न आरोह आवरोह पार करत जिस ऊ लाग समझ के रूपन्देही में जो एठू थारू राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन में एठू कहकर कि सम्मानित हुई ओकर लिए मही भी एकदम खुशी बा और आगे आए वाला पीढ़ी उकरण भी एकठू प्रेरक स्रोत बनी कि वास्तव में संघर्ष करती जाप कल से एक न एक दिन हमरे फिर वो चीज़ क्या कहते हैं कि मतलब काम करते जाने क्रम में बढ़िया प्रतिफल आई तो अवश्य पनी एक राष्ट्रीय स्तर में मतलब सम्मानित होना अवसर मिलेगा ना आए वाला जो क्या कहते हैं कि युवा पीढ़ी ने फिर प्रेरक स्रोत बनी करना लगा पक्के फिर अपना मैं चाहे अपने घर पारिवारिक वातावरण पारिवारिक बैकग्राउंड हो जाना था ठू में पृष्ठभूमि अपने घर परिवार में कोई फिर सांगीतिक क्षेत्र में लागल नहीं हुई ना अपने छोटी से फिर नहीं हुई अनि अपने घर प्रेरणा के स्रोत चाहे के बनल के चाहे अपने कहीं हौसला दिल कि ल गायन क्षेत्र में जाए पड़त है गीत गाए पड़त कहीं के अपने प्रेरणा के स्रोत चाहे के हो अपने घर प्रेरणक स्रोत कभी तो खास करके मैं छोटा हूँ तब से मतलब गीत गाऊँ अने स्कूल पढ़ना क्रम में गीत गाने क्रम में सबको संग्रह उग्रह ने एकदम सपोर्ट करना ल जैसे कि श्रीनिवास मनी मजा गीत गाए मैंने आगे जाके गीत गाए पर के अने टीचर होकर फिर बड़ा सपोर्ट करें ल भविष्य में गए तिम्रो उज्जवल भविष्य छ भोलि के दिन में राम्रो कलाकार बन सकसु गीत गाउनु पर्छ मतलब प्रेरणा दे कति 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 मैंने पाछ बुटोल बुटोल आकर तब सबको संग्रहण के सपोर्ट से अनि मोर मन में फिर है कि जब सब कुछ ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि गायन प्रतिभा त्योहार में भाग ले से हल्का मतलब परिश्रम करे परे लेकिन मतलब भविष्य में जाके बढ़िया एक गायक के रूप में स्थापित हो कहीं के वही हिसाब से मैं सांगीतिक यात्रा शुरू कर लूँ 2059 साल से वहीं बुटोल के बागेश्वरी संगीतालय में वहीं लगभग 4 वर्षों तक सांगीतिक मतलब हाँ संगीत मतलब संगीत के क्लास ले लूँ अनि साथ साथ ही पत्रकारिता में भी मतलब वो कर लूँ करते करते 2000 सीखना तो मतलब लग 64 सम सीख लूँ अनि गाना मोरिक निकल है 2061 साल में 61 साल में मैं निकल लूँ एक्टुअल एल्बम वो गाना जो धीर माया पायल दर्शकों का हम उनके संपूर्ण ऑडियंस का छौकिया नाचे नाचे गाना गीत है वो गाना एकदम मन परा दिने अनि पाछे करते करते मतलब
और सीखती जाइना और करती जाइना अभिन अभिन आज तक मतलब क्रम जारी वगैरह जुन अपने कहा 2061 साल में अपना पहलो गीत रिकॉर्ड हुआ औपचारिक रूप में सांगीतिक क्षेत्र में लगभग से औपचारिक में गीत रिकॉर्ड होना चाहिए 61 साल में 61 साल में मतलब उस टाइम में माघी रहे थारू कल्याणकारिणी रूपंदेही के आयोजन में एक माघी कार्यक्रम है तो माघी के कार्यक्रम में वो एल्बम के विमोचन कर ले रही वो गीत हमें सुनना चाहिए पहलो गीत पहलो अपना जुन गीत निकली औपचारिक रूप में वो गीत हमारा दर्शक लोग हमन सबको जन सुनना हल्का डांसिंग नंबर है उस टाइम में जैसे कि शुरू शुरू में निकल ली आप अपने लिखना अपने वो करना चल दिहल दिल पे मोर छुरिया चला के हे हे चौकिया नाचे 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 मन लागे ये टाइप के रहे नसना टाइप के गीत अपना एक तो संसार गर्मी पे 2059 साल से अपना शुरुआत कर ली 60 साल से 60 साल से संचार कर्मी और संचार जगत हाँ और क्या कहते हैं गायन क्षेत्र हाँ गायकी क्षेत्र का अपने संगल ले गिली अपने संगत डोराई बेर कौन सा है सहज फील जस लागल अपने हुए गायन क्षेत्र और संचार जगत सहज तो मैं क्या कहते हैं कि दोनों सहज है लागल लेकिन क्या हो कि जोन आपन पहले से एक तो चाहना रहे कि मैंने गायक बनना तो ऐमे फिर सजलो रहे लेकिन उस समय में यही में डिपेंडेड होके जिए सकना बांसी सकना अवस्था ना रहे क्योंकि माने कुछ ना कुछ साइड जॉब तो करेक्ट परिकाना उद्देश्य से आज मैं मीडियम फिर लग लूँ अन्य मीडियम करती करती रेडियो टेलीविजन करत बहुत 3-4 हो एफएम रेडियो में अपना काम कर लिए टेलीविजन में लुमिन टेलीविजन में सभी काम कर लिए अपना अपनी कार 2063 साल में कार्यक्रम थारू भाषा के गीत कथा मन मन के पुकार करना वो कार्यक्रम अपना चलाते गिले अपना गीत कथा विलक होर से उमा थारू भाषा के विलक होर से थारू भाषा के गीत फिर दारा पड़ बिच बिच वो कर्म थारू भाषा के गीत एकदम ही कम विलक होर से अपना नेपाली हिंदी गीत फिर दारे अनि तब अपना सोच ली कि लम्हे आप सांगीतिक क्षेत्र में लगा मै कन आपने हम मन में तब आइलस कि वही से आगे हैं ना वही से आगे से मुझे मन में रहेगी मतलब अब उटे कार्यक्रम हो कार्यक्रम अब क्या कहते हैं उस समय में रेडियो सुनना एकदम है बड़ी प्रचलन रहे कम ही मात्रा में एफएम रेडियो रहे उस टाइम में जब मैं काम करना शुरू कर लूँ जब मन की पुकार करना कार्यक्रम जब शुरू कर लूँ उस समय में एकदम है मतलब मेहनत करूँ अब हफ्ता में एक दिन कार्यक्रम जाना हो मंगलवार के आज भी नहीं याद बा 9 बजे राति से मतलब रात्रि के 9 बजे से 10 बजे तक वो कार्यक्रम है अनि करीब 3 बार वो चिट्ठी में एक पढ़ू करके उसके बाद गाना का शिक्षण उठ करना हो क्या करना अनि अब जो आज घड़ी जो रेडियो में टेलीविजन में काम करना सहज वातावरण हो गया ढेर अब इसे गाना वाना खोज के लिए यूट्यूब में सर्च करते कि आज इतनी सब उस टाइम में एकदम गार हो रहे कैसेट किन किन के नाने पड़ना टी गाना नहीं पहल के खंड में क्या कहते हैं कि कबो हिंदी गाना कबो भोजपुरी गाना बजे नेपाली गाना कार्यक्रम में नहीं बजे थारू गाना हिंदी भोजपुरी थारू गाना नहीं होगा थारू गाना के मात्रा एकदम ही कम है एकदम ही मात्रा कम रहे वो कारण से हमरे बाध्य होके भोजपुरी हिंदी गीत बजाए पड़े अपने भोजपुरी हिंदी गीत पे बजे लिए जिन पहले तुलना में थारू भाषा के गीत आबक तुलना में कतरा फर्क बन समय अनुसार फर्क होने जरूरी फिर कैसे उस समय में अपने अटर कैलकुलेशन करी मतलब गेस करी जब हमारे 1996 मतलब जैसे कि अपनी 2060 61 65 और के बात कर भी कर ऐसे तो उस समय में ऑडियो चक्कर जमाना रहे ऑडियो सीडी प्लेयर आयल अब क्या कहते हैं कि ओकर बाद और सिस्टम डेवलप होती गई अब आज घड़ी हाथ में मोबाइल बा हाथ में इंटरनेट बा जा कल से तुरंत के तुरंत वहीं वो का बजट तो उस समय में जो गीत संगीत में तो सार्थकता रहे आपन जो आपनपन रहे लेकिन आजकल कॉमर्शियल रूप में जाती गिल कटी पे छाड़ापन भी देखा प्रल अवस्था लागत में है यही है हमें के सोसाइटी के यानी कि हर एक सोसाइटी में ऐसा मतलब आयत बा अपन होड़बाजी में आगे बढ़क लग कटी पे जो होट नहीं सामाजिक रूप में अपाच्य खाल के
वर्ड युज कएन अपाचे खालके भिडियो छायाङ्कन कएन ऊपर व्यक्ति भइरहेल बा लेकिन जहाँ तक लागत कि हमन के जुन सोसाइटी अग्रज लोक आट अग्रज झुक्रा आटे वहाँ फिर लोग भी कुल गाना उकरक बेलम सेन्सर करना अवस्था जैसे लाग्ने पक्कै पनि सेन्सर त जो आजकल त गीत थारू भाषा गीत एकदमै निक्रना पहिले तुलनामा आजकल बहुत गीत सङ्गीत निक्रटा फे ऊ गीत सङ्गीत ज्याकठी पैसा महिन लागत कि ज्याकठी पैसा बा ज्याकठी लगानी गर्छ एकटा ऊ गायक बन्ता ऊ मोडेल बन्ता का कारणले कसी खुइटा त जस लागत अपने गएन अब इटो का हो कि एक ठू खान भने धन हुनेसँग मन हुँदैन के अरे धन हुनेसँग मन हुँदैन मन हुनेसँग धन हुँदैन क्या समस्या सबसे बढी हे बाका हामी के थारू सोसाइटीमा खास कवितो जिकर लग पैसा बा ऊ कहाँ कसी युज करी कसी के युटिलाइज करी ओखन के कोनो परवाह नै बा ओ जकर लग पैसा ना ओकर लग कला बा बाध्य हो कि ल ठिक बा जैसिक मन लागि तैसिक अब कर ही टोकर जैसिक पहि तैसिक गीत गाने ना और भिडियो फिर जे बनले से फिर हो गेल कना अवस्था आइ ओहि कारण से ई सबसे एक मैनेज कसी करना कहके मही फिर लागत कि जोन हमके आर्थिक समस्या कारण से भी ऐसा समस्या हो जैसे लागत जिहिन मन लागल ओ मने गीत गीत गैना गायक बन्ना मोडेल बन्ना गायन क्षेत्र हो लग्ना स्पेशली कना होकल से गायन क्षेत्र हो लग्ना ई स्तरक निरन्तरता चलती रही कल से थारू भाषा के संरक्षण संवर्धन जुन पहिले पुरान जुन रीत बा उ बची जस्तो लाग कि नि बची जस्तो लागत अपने हो गएन अब ऐसिन बा भन्न त हामी के थारू सोसाइटी में पूर्व पश्चिम हजुर एक ठु भाषिक रूप में इतना ब्रिज के काम करता ये बुझना जरूरी बा हमें अगुआ उकरा फिर बुझे जरूरी बा भाषण भर दिले से नहर जी से लाट में जैबो कभी कहूँ भी कभी सम्मेलन हुई जा भेला राष्ट्रीय भेला हुई दुनिया भर के नेता होकर अपन पॉलिटिशियन पावर बढ़ाक लग दुनिया भर के भाषण करें ये करें जब कोनो भाषिक रूप में एक रूपता लाने खोज भी तो दांग के कहें कि हमारे भाषा ओरिजिनल भाषा हमार हो अब अपन पर जिलक सब बने डांकी के नहीं कलाली और के कहीं अपन हो कबील के स्टोर लगे फरक फरक धारणा लेकिन एक तो भाषा के कसिक मन ना करना सवाल में अब उनके कुल लगने पटा बाव कर एंसर के कुल लगने बका लेकिन ये जो गीत संगीत के माध्यम ऐसीन माध्यम हो जकर लग जकर वजह से आज संपूर्ण चौबीसों जिला में थारू मुकरण के बसाई बा लेकिन चौबीसों जिला में एक गीत संगीत के माध्यम से बुझना वातावरण बनता जहाँ तक लाट मैं गर्व लागत का कहाँ से पछिल्लो समय मैं एक ठू गाना निकल लूँ जो इस वर्ष के सर्वाधिक मतलब दर्शक होकर अनि ऑडियंस होकर सब कुछ मन परा देने वो नजर से नजरिया का ना गाना मैं बनाई लूँ जब ते ऊ रहे चितवन के भाषक रले से फिर पूरा सारा देश के मन ही सुनने वो गाना है लेकिन आखिर वो गाने के माध्यम से थे वो नहीं इस संगीत के माध्यम से कतिपय बुझा टाने लेकिन हाँ आगे वधि का कहे चाहता आगे वर्ड का हो क्योंकि उसमें बुझना माध्यम बढ़ जैसे लागत लेकिन एक कर लग हमन के थारू अगुआ लोग फिर उ विषय में संबंधित मतलब का कहते हैं गहन अध्ययन करना जरूरी फिर बाकी वास्तव में हमारे यदि उकर माध्यम से हमारे उकर शेकअप कारण की भाषिक रूप भाषिक एक रूपता लाने शेकअप कर से तो उस चीज़ में फिर लगानी करना जरूरी बा लेकिन कागज है बस खाली कलाकार यूज करना मैं देख लिया तो हमारे समाज के थारू अगुआ होकर पूर्व पक्षियों जोड़ना काम जिस पूर्व पक्षियों के जो रहन सहन बा वो साटा साट करना काम गीत संगीत करट कह कह एकदम कह पड़ल एकदम एकदम महत्वपूर्ण योगदान दिल बा कह पड़ल हजुर जो ये गीत संगीत के क्षेत्र में अपना बहुत से आधुनिक गीत पॉप गीत गेला दे लोकगीत अपने कहा नहीं सुन मिलत का कारण हुई अपना लोकगीत गाइना ऐसी बात समय हाँ। नहीं पड़ल बा गाइना चाहना हो जस्ते कि मैं कतिपय ठाउँ में प्रोग्राम में जितु बहुभाषिक कलाकार के गीत है मैं नेपाली के अपने पॉप गीत गए लिया आधुनिक गीत गए लिया तो फिल्मी गीत गए लिया तो भोजपुरी फिल्म में गए लिया तो एल्बम में गए लिया तो हिंदी फिर गए लिया तो ठारूटी हो ठारूटी गए ना मतलब गई थी आठ तो वो हिसाब से जो कुल सबको मतलब अनुभव बटले कोशिश हो अब बाकी बा लोक दोहरी गीत गए ना अनि निकट भविष्य में जल्दी मैं प्रोसेस में आटू लोक दोहरी गीत करना फिर एकदम अपने हो गए ना निकट भविष्य के लाग लोक गीत के लाग में बधाई बा जुन सांगीतिक क्षेत्र में अपना लगली
साङ्गीतिक क्षेत्रमा लप्ती रहल म जुन विभिन्न खालको गीत गैलाटे अपना थारू भाषा के नेपाली भाषा के गीत गैलाटे भोजपुरी के लिए अपना हिंदी गीत फिर गैलाटे अपना अत्र अत्र ढेर सबको जोड़ कर चाहे लगभग अत्रा समय गीत गैलो हुई अपना तीन से लगभग क्रॉस कर सकल बा तीन से ढेर एक दशक बीत गिल बा अपने के संगीत सांगीतिक क्षेत्र में डेढ़ दशक मैं अपना तीन से ध्यान गीत गा सकल बाटी जो थारू जगत में थारू गायन क्षेत्र में चाहे अपना योगदान देह से आकल बाटी आखिर तीन से ध्यान और कम कसिन मिल ये अवस्था जो यहीं से ध्यान गाय पड़ना रह नहीं ये ध्यान हो गिल ये कम हो गिल यहीं से और गाय पड़ना रह करना कसिन अपना कसिन महसूस गाय पड़ना नहीं गाय पड़ना अवसर आइट गटी जाए ना हो अब वो कैलकुलेशन नहीं हो लेकिन मतलब क्या कहते हैं कि अब महीना में चार पांच टू गाना रिकॉर्डिंग हो चुका है एकदम है अनि उस हिसाब से यदि सकू हमार दर्शक श्रोताओं को के माया पाप वाले से तो आगामी दिन में करते जा पाना अब एक तो आप गीत संगीत के आप हमारे बात बैठी कल से हमारे अपने कार्य तो और गीत सुनना चाहिए अभी एकदम है जून गीत कल से भी हुए अपना ने थारू थारू नेपाली कौन गाइना चाहिए अभी अपना मोर एक ठू कहा हो कि जस्ते कि मैं नेपाली गीत गई लिया टू अलग पाटो हो लेकिन जहाँ तक थारू कार्यक्रम हुए से यदि अनुमति हुई कले से मैं एक ठू लाभ गाना बने लिया टू थारू राष्ट्र गीत मलाई गर्व छ थारू हुनामा करके अब शायद एक दुई दिन भित्र ये गाने के रिलीज करे लगा टू कार्यक्रम उनके गणेश चौधरी के संगीत अनि छविलाल कोपिला अनि दिनेश महतो के शब्द लगाए थुप्रे संग्रह उनके हमें के थारू ये सांगीतिक इंडस्ट्री के ढेर संग्रह सपोर्ट कर लेते हैं ये गानम थारू राष्ट्रीय गीत के रूप में वो कर लेते बेलम हमें के समीक्षा चौधरी सोनू कुश्मी सृजना चौधरी रोशन रद्रिया श्रीमान चौधरी राज कुश्मी उनके कोरस में साथ दे ले आते हैं। ओहो बहुत जना। धीर जी। ये एक टू अभिष्मरणीय पल फिन हो अभिष्मरणीय क्षण फिन हो वो गाना मैं एक टू क्या सुनाता हूँ। एकदम है एकदम है। मलाई गर्व छ थारु हुनुमा म त सोझो किसानको छोरो जंगल जमीन लाई उर्वर बनाउने सच्चा थारू म सच्चा नेपाली माया को बीज छर्ने बुद्ध को संतान हुमा कैसे बात एकदम है बुद्ध के संतान थारू फिर अब नहीं थारू बुद्ध थारू के संतान टके ना वैसे अब बारंबार ठाउ ठाउ में कार्य करने लग रही थारू बुद्ध को संतान कि बुद्ध थारू को संतान एकदम है डिबेट चल रहा है मतलब अपना डेढ़ दशक जटी लम्मा जो सांगीतिक क्षेत्र हाँ और संचार कर्मी के रूप में अपना डेढ़ दशक बीत गिल संग संग लेकर जाए थे अपना 2073 साल में अपना चटक माया मार्ग संचार जगत हाँ आप चाहे पूरा समय नियमित रूप में चाहे आप मैं सांगीतिक क्षेत्र में लगाम कोई कपड़े सोच ली नहीं जैसे ऐसे हो बीच में हल्का बिजी फिर रहा हूँ वो हमारे हल्का बैक ले लखो जहाँ तक अभिन भी करना इच्छा हो कैसे एक ठू कोनो भी चीज़ कुछ नशा हो रेडियो टेलीविजन कल के एक ठू प्रोफेशन के रूप में मैं काम कर लूँ अनि अभिन भी मैं इच्छा लागत कि क्या कहते हैं कि वो हिसाब से जो तरीके से हमारे कब कब हमारे रेडियो में सुना तो मैं बोले बन कसले सुनी रहते होला ते वाला खाना टेलीविजन में कार्यक्रम चलाए तो टेलीविजन में हमारा कार्यक्रम आने कार्यक्रम है तो हमारे कार्यक्रम कोई हेरत रहे वो टाइम में कनास लागत अभिन भी मतलब लागत की लगभग 8 वर्ष में टेलीविजन में काम कर लूँ बुटोल के स्थानीय टेलीविजन लुम्बिनी टेलीविजन में लुम्बिनी लुम्बिनी टेलीविजन लुम्बिनी रेडियो लुम्बिनी तीना एफएम रेडियो नमस्ते अत्र कुल मीडिया में काम कर लूँ टेलीविजन में खास 8 वर्ष काम करने दौरान में ढेर स्ट्रगल कर लूँ अपने स्टार्टिंग में मैं एक थारू भाषा कार्यक्रम से शुरुआत कर लूँ अनि पाछा प्रोग्राम इंचार्ज के रूप में काम कर लूँ अनि न्यूज
रिपोर्टिङ फी गर्नु अनि का गठे कि अपने न्यूज फी पढ़ु बिहान के अखबार पत्र पत्रिका कार्यक्रम फिर करूँ मतलब जो रमाइलो रहे लेकिन अब कुछ कारण बाध्यता बस पास में ब्याह हो गेल गमुर हो गेल गायन क्षेत्र चाहिँ गमुर हो गेल त आगो उठ गेल क भन बस्ते बस्ते कही अनि पाछ हेर्दै चाहिँ आगे काका हुई इफे विषय गए श्रीनिवास के माग बहुत हो गेल अब संचार जगत समय देखि सके फे संचार जगत ब्याग छोड़कर पाछ छोड़कर जे साङ्गीतिक क्षेत्र आगे निरन्तरता लिन आफ्नो कोसिस गर्ले कोसिस भन्दा नि एक टुका हो कि मै हमेशा मिडिया से जुडल मने हजुर एक टुका हो कि कलाकारिता ओ मिडिया क्षेत्र कलक एक आकारके परिपूरक खसका हजुर मिडिया फिर चाहत मिडिया नै बजादी हमर गाना अठाउ पब्लिश नै गर्दे अर्थ नै अब कलाकार बिना मिडिया से टचेज रहले काम फिर नै हो जस्तै कि अब आज एक टु समझली समझ के आज म इन्टरभ्यू लग बोलैली वस्ते हो नङ मासु के सम्बन्ध न एकदमै जुन अबक पिढीबाट छ उ पिढी हुकन जुन अबक लव पुस्ताबाट उ लव पुस्ता हुकन आफ्ना का सल्लाह सुझाव दिन चाहबे कि आप साङ्गीतिक क्षेत्रमा आइबेर कसिन कसिन अप्ठ्यारो ऐठा कसिन व्यवधान ऐठा का सल्लाह दिन चाहबे आफ्नो म यही कह चाहन् जस्तै कि कतिपय आजके लव पिढी आइटे गाग ढङ बा पैसा बा कहले से चाहे गाग ढंग रहे न रहे पैसा रहे से सब कुछ भेजे कानास का उखान बने पैसा भैसी जे पनि किन्न सकिन्छ कानास का ठीक ऊ नै हो जस्तो कि प्रोफेशनली रूप में यदि सांगीतिक क्षेत्र में लागे को कहले से एकर बारे में नॉलेज लेके छिरले से मजा रहे निकट भविष्य में मजा भी होई अल ठीक बा रहर के लगाई दी एक दुई ठो गाना निकाले ओकरे बाद सुमा जी भी कानास होई दो चार दिन चली नहीं लेकिन इस क्षेत्र में लागे खोई कहले से मोर विचारमै साङ्गीतिक ज्ञान लैके कुछ नै बेसिक कोर्स भर मै का गठु कि राग हो धेर लम्बा प्रोसेस नै जा सक बिटो कमसे कम हार्मोनियम बैठ के रियाज गर्न भर रियाज गरे भर ज्ञान हो जरुरी बात जस्तो लाग्छ मैले अब सरगम त सिके परल अब कतिपय ओकर का गठै कि सरगम के सार नै पता हो मने आके का गठै गरे लगठै लेकिन ठीक बा करती कतिपय बिना सिखल फिर मजा करती आटे हमार के विगत के समझना बा विगत के याद कतिपय आइडल तमाने आइडल हो उन्हीं आइडल में फिर बिना सिखल फिर आइडल बन जाती लेकिन आवाज गॉड गिफ्टेड चीज हो ये चीज फिर लेकिन एक संरक्षण करे लग ओकर सांगीतिक ज्ञान हो लिसे और मजा भी करना चला आपने आइडल के बार बदले अपना नेपाली तारा दिमाग में भाग ले रहे हैं कसिन रह वहाँ कर्नु भएको अपने नेपाली तारामा सुरु सुरुमा रहे अनि का गठे कत्रासम्म पुग्ले अपना लगभग टप 80 सम्म कत्रासम्म पुगेल हुँ अनि काठमाडौँ चाहिँ यहाँ से लौट के गएली छुट्टै अलग मजा रहे हाम्रो सङ्घीय सङ्घ माने ठुली थर राष्ट्रिय सम्मेलनमै साहित्यिक सम्मेलनमै हरिनारायण सर से हाम्रो सँगै यहाँ ऊ समयकै जुन जोस रहे जाँगर रहे एकदमै काठमाडौँ गर्व लागत खुसी फिल लागत दुःख फिर गर्ली काठमाडौँ पहिलोचोटि दुनु जाइली ऊ समयमै ओकरा लागेली अनि आमा दिदीकै अभिन भी मतलब दिदी भिनाजू भान्जी ओकरा ग्वारकोमै बैठे इमाडोलमै अनि वहाँ से हाम्रो नेङके यहाँ कुपनडोल हाम्रो आइ नेङके कुपनडोल आइ उमा इमाडोल से अनि मैले ल ठिक गीते गायल टी गर्न हल्का मनी मनी गाउँ नेङटी क्रम उते पुरा सुरु हो जाने का एक डगरी हो जाने पुरा यी खेमराज गुरुङ के एकदम भारी फ्यान होइन वारी जाउन पानी जाउन गाना पुरा डगरे डगरे गायो सुरु गर्दैन सर बिस्तारै गाउनु बस फेरि उठाउँछ माइट मिच्छा गेलु पाछ कागठे एक ठु वाकमेन किन्नु टबुटामै मोबाइल बल्न रे वाकमेन रे बा वाकमेन लगाक ओकर सङ्घरिया नै होकन लेकिन बडा मिजासिलो सङ्घरिया आटै बहुत खुसी लाग एक ठु हाम्रो वहाँ उखाने बा जहाँ श्री वहाँ हरि कहिके हाम्रो विभिन्न कार्यक्रममा वहाँके रूपन्देही कपिल वस्तुको विभिन्न कार्यक्रममा सङ्घरी जजमेन्ट गर्न कबु कार्यक्रममा सहभागी होइन खुसी लाग आफ्ना हरेक मनै हरेक व्यक्तिको फ्यान रहेछन् अपने कौन गायक के फैन रही था अपना दीवाना गीत सुनकर मैं वास्तव में कभी नहीं मैं सबसे बड़ा फैन गलत कुमार सानू के एकदम नहीं गई ना तो मैं शुरू शुरू में मैं खास करके हिंदी गायक हूँ ढेर मैं प्रेरणा पहलू ओकर पास हमारे रामकृष्ण
ढकाल दाजु हिमन्त शर्मा दाजु ननके स्वरूप राजाचार्य अनि एम बराल ननके गीत गाउँ अनि त्यो सुरु चाहिँ कुमार सानु गीत गाके गर्नु अनि कुमार सानु इन्डियन के मोहम्मद अजिज सोनु निगम अननके कारण धेरै जसन गीत गाउँ कुमार सानु के आफ्नो फ्यान हजुर कुमार सानु के छुटुक्का सुना दिन मै नेपाली तारा टु मेजा भइलु तपाईको टाइम गर्नु फूल भए जिन्दगी देवतालाई चढाइदिन्थे फूल भए जिन्दगी देवतालाई चढाइदिन्थे अनि कहाँ गए बिचमा सुरु सुरुमै उ गर्दै कि हल्का टाइमिङ नमिल्के गडबड आगेले क्या अपना एकदम चर्चित चर्चित थियो सबैजनाको फ्यान रहेछ आफ्नो फ्यान रहे आजकल आफ्नो गायन फ्यान बहुत बाट कसरी लाग्यो त आफ्नो गायन खुसी लाग्यो कतिपय हाम्रो सामाजिक सञ्जालमै कतिपय हाम्रो फ्यान उक्र फोन गरी कबो इमोमा के फोन गरी कि मेसेन्जरमै फोन गर्थे त कबको बिजी रहेछ त्यो सरी गरिरहेछ नि त्यो कबको मेसेज हेर्ते हेर्ते निछाउन लाग्न अभी नयाँ वर्ष आइट नयाँ वर्षमै तँ कहाँ कहाँ आजकल त्यो उकरके पठाइथे नि ऊ पहिले पहिले रहे त्यो जस्तै हाम्रो ग्रिटिङ कार्ड अरू कहाँ कहाँ पोस्ट कार्ड हो के शुभकामना आदन प्रदान गर्ने आजकल फेसबुकै कुल चिज हो ऊ मेसेज हेर्ते हेर्ते मिछाउन लाग्छ नयाँ कबको लेकिन खुसी लाग्यो सबैजना फर्काएर ठु जस खुसी लाग्यो कि एक ठु हाम्रो फ्यान हो कालघरि उहे फ्यान के हाम्रो एक शब्द नै मजा बोल्दा कटु वचन बोल्दा कहिलेसी त्यो उड्डासन नै मजा कहि क्या कलाकार के धन कलक नै फ्यान हुन्छ हजुर जुन लवर्स 2076 सालको लागि हाम्रो कार्यक्रम प्रसार नै 76 सालमा हजुर हजुर 76 सालको प्रसार हो गेल यी 76 सालमा आफ्नो का का योजना बनलाटी कसरी करम का करम कहि का कसरी योजना बनलाटी आफ्नो योजना त बहुत बा मोर 2076 सालमा एकठु नेसनल रूपके एकठु रियालिटी सो गर्न प्लानिङ बा हजुर थारू नेसनल टाइपके एकठु रियालिटी सो गर्न प्लानिङ बा निकट भविष्यमै ओकर बारेमा डिटेलमा बताउँ अभी काम सुरु होइ त बताउँ अभी अट्टा बुझली बस अब गीत सङ्गीत त्यो मनमा चल्ती बा जैती बाको हाम्रो हजुर ल अब जुन रेकर्ड हुँदा चाहिँ गीत एकदम चार पाँच थो गीत रेकर्ड हुँदा कहिले ऊमध्ये के फेरि ठु गीत सुन्छ कि एकदम अप्नेका एकदम चलल गीत आदिवासीको ना पक्कै ऊ गीत नि सुनेपछि त दर्शक लगाउनु सायद निराशै हुँ हाम्रो सबैजना ऊ गीत सुन्न चाह अवश्य पनि यी गाना चाहिँ ठु मोर फेरि जुडल भा कहाँ कि कतिपय इन्डिभिजुअल रूपमा अडियो रिलिज हुने बाद सारा मतलब थरवट एरिया भन्दा पनि थारू एरिया भन्दा पनि अरू समुदायकै भी मतलब इन्डियामै फेरि यी गाना बुझल लेकिन एकर फिमेल सिङ्गर सकुजे जान थिएँ उहाँहरूकै पश्चिमकै होइले कारण से लेकिन मेल सिङ्गर के रहेको के रेजनकै पत्ता नै रहे आदिवासी थारू हाम्रो धरती पुत्र तराईकै गाना गाना धेर जीवन महिन फेरि पटाएर म यो गाना एकदम मन परेन भने एकदम सुनु के हो सिङ्गर पाछ नाम पढ्दा पनि आफ्नो कुरा आदिवासी थारू हमारे धरती पुत्र तराई के आदिवासी थारू हमारे धरती पुत्र तराई के इहे भूमि होई तम देश ऐहो थारु हो भाई कैसी के बचाई पहिचान एकदम गीत सुनकर झुरमुरा जाइट काँटा निकट जिउ मसे हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यमा आशाकलबाट श्रीनिवासजी आफ्नो दर्शक लोगनको कुछ कहना चाहती कला सिक हसेकी सबसे पहिले त भाइ हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक उग्रन एक एक साहम कि आयवला लावा वर्ष 2076 सालके पावन अवसरमा सम्पूर्ण हाम्रो देश विदेशमा रलक सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव लोगनमा धेरै धेरै शुभकामना बा साथसाथै आप अपने सबके 2076 साल
कागतें कि 75 में जैसन हुए ले से फिर 76 साल एकदम शुभ रहे अनि साथ साथ में अपन कागतें कि एक तो अवसर दे ली अपन भनाई रखे गलग अपन बात रखे गलग ओकर लग कागतें उर्मिला गमवा जी के धन्यवाद और साथ साथ में इंडिजेनस टेलीविजन और साथ साथे काज प्रोग्राम गुड़ा गोचाली चली गोचाली चली गोचाली प्रोग्राम टीम हुकरा और साथ साथ में हमारे कैमरा पर्सन दाजू संपूर्ण हुकरन धीरे धन्यवाद देख सारे तो एकदम धन्यवाद अपने ग्रहण फिर 2076 साल के बहुत बहुत शुभकामना आगामी दिन में फिर अपने आस्था को प्रगति करते जी भी यह सुना मिला आस्था और लवा लवा गीत सुना मिला यह बापने के शुभकामना धीरे धन्यवाद बापने फिर धन्यवाद आज हमारा पौना रहा चर्चित गायक श्रीनिवास जी आगामी सप्ताह हमारे नया पौना के साथ में नया बातचीत करने ने बाटी नया बहस बातचीत दोनों कर भी हमारा लव पौना से कार्यक्रम अपना हम हेती रहे कार्यक्रम चली गोचाली मई कार्यक्रम संचालिका उर्मिला गमवा थारू बिदा हुटू राम राम जय गुरु बाबा